तो गाइस अब हम करने वाले हैं एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके अपनी फाइल को ट्रांसफर। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो गाइस तरीका बताने वाला हूँ एक लैपटॉप को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके या किसी भी पीसी या कंप्यूटर के साथ आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ अपनी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि आपके इंपोर्टेड फाइल या ऐप्स या जो भी एप्लीकेशन होती है। बहुत ही आसान तरीका है। अगर इस वीडियो को आप लग रहा है कि बहुत तेज़ी से बात कर रहा हूँ या तरीका बता रहा हूँ, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें वीडियो मौजूद है जो कि आसान तरीका और स्लो वॉइस में बहुत ही आसानी के साथ बताया गया है। तो गाइस बहुत ही आसान तरीका है। विंडो की का बटन होगा, आप उसको प्रेस कीजिएगा और कंट्रोल पैनल में जाना है। उसके बाद नेटवर्क एंड एडवांस सेटिंग में जाना है। उसके अंदर होम और वर्क और पब्लिक दोनों सेटिंग करनी है। टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी सेटिंग, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर सेटिंग और पासवर्ड।